हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारका। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी एंड फाइनली आज मैं इनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं और मैं एक्चुअली उनको शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं उन्हें ट्राई कर रही हूँ तो मैं थोड़ा और ट्राई करना चाहती हूँ ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि वो कैसे हैं। लेकिन मैं यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने यूज़ किए हैं एंड फाइनली मैं आपको बता सकती हूँ कि वो मुझे पसंद आए हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो एक्चुअली मैंने लिया था, ये मेकअप रेवोल्यूशन का आप कह सकते हैं लिप ग्लॉस, लिप सोर। और खास चीज़ जो इस लिप ग्लॉस की है कि इसमें जो मार्बल इफेक्ट है आप देख सकते हैं। इनिशियली मुझे लगा कि ये शायद ऊपर से प्रिंट है, लेकिन ये प्रिंट नहीं है, ये एक्चुअल में इसी तरीके से अंदर आपका प्रोडक्ट है। तो जब आप निकालते हो तो एक्चुअली ये मिक्स होता है। तो मैंने ये जो शेड लिया है ये थोड़ा मॉविश है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो ऐसा जो भी कलर दिख रहा है वो नहीं आता, हल्का सा डीप पिंक टाइप का टिंट ये आपके लिप्स को देता है और वो मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे ये जो लिप ग्लॉस है बहुत शेयर आउट है, इवन आप कोई भी कलर उठाओगे तो उतना ज़्यादा आपको पिगमेंट नहीं दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कलर दे रहा है। आप इसे किसी भी लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हो, आपको हल्का सा टिंट मिलेगा, बहुत हल्का सा टिंट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा नरिशिंग है। मैं इसे एक्चुअली विदाउट लिपस्टिक डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ एज अ समवर, आप कह सकते हो लाइक लिप बाम, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेंस और नरिशिंग है। जो लिप्स हैं ये एक तरीके से उनको अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, नरिश कर देता है, तो थोड़ा बहुत भी जो चैपीनेस होता है वो ठीक लगने लगता है। तो मतलब आप इसको लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड सीधे बेयर लिप्स पे भी, इवन ड्राई लिप्स पे भी, क्योंकि ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से नरिश और हाइड्रेट कर देता है। तो मैं ज़रूर कहूँगी आप ट्राई करो, पर हाँ ये शीयर टाइप के लिप ग्लॉस है। जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली रिसेंटली आया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें। ये सुस ब्यूटी का क्रेज रेंज, सुस ब्यूटी का न्यू रेंज आया है क्रेज, और ये सिर्फ purple.com पे मिलेगा, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। इस रेंज में आपको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है, पैकेजिंग खासकर ज़्यादा अपीलिंग है। मैंने सिर्फ दो प्रोडक्ट मंगाए थे इसमें, एक मस्कारा और एक ये लिप एंड चीक टिंट। मस्कारा अभी भी ट्राई करना मुझे, मतलब अभी भी उसे ट्राई करना है मुझे, लेकिन मैंने इस ब्लश को ट्राई किया है। ये ब्लश लाइक क्रीमी सॉर्ट ऑफ आप ब्लश कह सकते हो, जिसे आप लिप एंड चीक्स दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो शेड लिया है एप्पल पाई, इसमें बहुत ही लिमिटेड शेड है, मुझे ज़्यादा शेड नहीं दिखे। जो इकलौता मुझे ब्राइटर शेड लगा वो यही था, इसके जैसा मतलब कोई और शेड मुझे नहीं लगा। बाकी मुझे लगा शायद काफ़ी सटल है, यही थोड़ा पिंकिश में था। जो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें ऑब्वियसली इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और आप कह सकते हैं जो नॉर्मली सुस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे 10 times बेटर पैकेजिंग इस वाली रेंज की है। बहुत ही क्लासी है, आपका जो भी शेड है आप सीधे ऊपर से देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब हर बार खोल के नहीं देखना पड़ता, ऊपर ही से पता चल जाता है कि ये वाला ब्लश है। ये एक्चुअली मैं कंपेयर करूँ सुस ब्यूटी के जो आपके आते हैं डिब्बे वाले उनसे, तो ये समवॉट उनसे ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है। मतलब मैं इसको अगर ऐसे कर रही हूँ तो एकदम मेल्ट हो रहा है मेरी फिंगर में, बहुत ज़्यादा क्रीमी है और वो थोड़े डेंस होते हैं, लेकिन ये सुपर पिगमेंटेड है। आप अप्लाई करो इन सेकेंड ब्लेंड होता है, इवन आप इनको, ये ऐसा है कि आप अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हो, मतलब ये हो गया आपका ब्लेंड ख़त्म, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब कोई झमेला नहीं है कि आपको ब्रश चाहिए, आपको स्पंज चाहिए, आप अपनी फिंगर से तुरंत इसको लेके मेकअप कर सकते हो अपने, आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना आप कर सकते। एंड येस, ये भी आपके बेस को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब मैंने आज इसी को यूज़ किया, इसने मेरे बेस को डिस्टर्ब नहीं किया, तुरंत उसके ऊपर इन सेकेंड में ब्लेंड हो गया, तो मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद आया। ठीक है, मतलब मुझे लगा क्रीमी होगा तो पता नहीं कैसा वर्क करेगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और आप इसे लाइक विदाउट मेकअप भी बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्किन को ये हाइड्रेट और नरिश करेगा। हाँ, समर एक्सट्रीम समर में ये कैसा वर्क करेगा वो देखने वाला है, लेकिन वैसे ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मतलब जो फॉर्मूला है, फिनिश है, ब्लेंडेबिलिटी है, अमेजिंग है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मैं कई बार ट्राई करती हूँ कि इसको रिव्यू करूँ पर हमेशा रह जाता है, ये मैंने रिकॉर्ड का आईलाइनर लिया है। ये जो आईलाइनर है ये है इन द शेड, मुझे शेड नहीं पता इसका, ये एकदम स्काई ब्लू, एकदम पेस्टल स्काई ब्लू कलर का है, इस टाइप का बहुत ही प्यारे शेड है एक्चुअली इसमें।
तो ये जब आप तुरंत अप्लाई करते हो तब तो ये ऐसा दिखता है, उसके बाद थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है, ये मेरे फिर नेल पेंट जैसा दिखने लगता है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा शेड है और बहुत आराम से अप्लाई होता है, बिल्कुल भी वैसे स्टिकर टाइप का फील नहीं देता, और जब सेट हो जाता है तो टिका रहता है। ये ट्रांसफर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है एंड दिस इज सीरियसली वेरी प्रिटी शेड। ठीक है, मतलब ऐसा शेड भी जल्दी नहीं मिलता है, इस टाइप के पेस्टल टाइप के ब्लू या थोड़ा मतलब इस टाइप का ब्लू आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसमें जो आईलाइनर के शेड है वो बहुत ही यूनिक है, आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी मैंने बहुत पहले लिया था पर मैं कभी कर नहीं पाई। मैंने लिया ये काजा का आई शेडो। ओके, तो काजा आपको purple.com पे मिलेगा और कहीं नहीं है। तो काजा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें, मुझे आई शेडो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो इस टाइप के बेंटो बॉक्स में है, बेंटो पैकेजिंग, मतलब ये आपके तीन आई शेडो हैं और ये तीनों इस टाइप की पैकेजिंग में है, एक के ऊपर एक आप ओपन कर सकते हैं। मैंने जो शेड लिया है वो है हेला अजालिया 05। वैसे मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो इसमें जो न्यूट वाला जो शेड आता है, न्यूट टाइप का, वो ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि उसमें आपको ब्राउन क्रीम कलर इस टाइप के शेड्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मैं सोचा फाइनली कभी कभी काम की चीज़ ना लेके थोड़ा मन की चीज़ ले लेनी चाहिए, तो मैंने इसको बाय किया। इसमें क्या है, जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये शिमर शेड है। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड शिमर शेड है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपका डार्क पिंक कलर का शेड है, बहुत प्यारा है, मैट शेड है, दिस वेरी ब्यूटीफुल शेड। एंड देन नीचे जो लास्ट है आपका, इसमें आपका इस टाइप का पर्पल शेड है, थोड़ा डीप पर्पल, जैसे फ्लावर्स हैं सेम शेड एंड दिस। तो जो मैट्स है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं इसके। जो शिमर शेड है बहुत ही वर्सेटाइल है, एज अ हाइलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने इनर कॉर्नर के लिए, टेम्पल के लिए, नहीं तो आप नॉर्मली सिर्फ इस शिमर शेड को अप्लाई करेंगे आपकी आईज बहुत ही प्रिटी लगेंगी। एंड मुझे खासकर जो चीज़ पसंद आई वो इसके मैट कलर्स, जो मैट पिंक है, जो मैट पर्पल है, ऐसे मैट पिंक और पर्पल जल्दी नहीं मिलते। मतलब मेरे पास कितने ही आई शेडो पैलेट्स हैं, इस टाइप का पिंक और पर्पल, जो डीप पिंक एंड पर्पल है, मुझे जल्दी नहीं मिलता, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ऑनेस्टली कहूँ जो इसकी बेंटो पैकेजिंग है, सीरियसली बहुत क्यूट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि आपके सारे आई शेडो आपके हैंड में ही रहते हैं, मतलब इजिली कंट्रोल कर पाते हो, इधर से उधर चीज़ें फैल नहीं रही हैं, कम से कम स्पेस लेता है। मुझे एक्चुअली पसंद आया, मुझे ये पूरा कंसेप्ट भी पसंद आया। और जो शेड है ये तो मैंने खुद ही परचेज किया था, मुझे ही ऐसा चाहिए था और मुझे बहुत प्यारा लगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो फाइनली हमारे पास है, और मैं बात करूँ मैक के फिक्स प्लस स्टे ओवर सेटिंग स्प्रे। फाइनली मैक का सेटिंग स्प्रे हमारे पास है। मतलब मैं परेशान हो गई थी लोगों को समझाते समझाते कि मैक का जो फिक्स प्लस प्राइमर है वो लाइक मेकअप फिक्सर है, सेटिंग स्प्रे नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग उसे सेटिंग स्प्रे की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो वर्क कैसे करता है। जो मेकअप फिक्सर है और जो सेटिंग स्प्रे है टोटली अपोजिट चीज़ें होती हैं, आप उनको मिला नहीं सकते। हाँ बहुत से ब्रांड है वो ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं कि वो दोनों काम करता है, लेकिन मैक ने हमेशा मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे को अलग रखा है, उन्होंने मिलाया नहीं है। और जो सेटिंग स्प्रे वो आपके मेकअप को सेट कर देता है, लॉक कर देता है, यानी जैसा है मेकअप अब वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फिक्सर है उसकी हेल्प से आप चीज़ें दोबारा ठीक करते हो, वो वापस आपको पीछे की दो स्टेज में ले जाता है, ब्लेंडिंग की स्टेज पे, जहाँ पे आप मेकअप को ब्लेंड करते हो, तो वो मेकअप को सेट या लॉक नहीं करता है। खैर ये अल्कोहल फ्री है और ये जो सेटिंग स्प्रे है आई थिंक आपके मेकअप को 16 आवर तक होल्ड करके रखता है। मैंने इसके साथ टेस्ट भी किया है कि ये मतलब होल्ड कर रहा है नहीं, तो आप देख सकते हैं यस ये होल्ड कर रहा है। आई नो शिमर्स थोड़े से स्मज हो रहे हैं लेकिन स्टिल मैट फिक्स हो गया है और एक तरीके से आपके मेकअप को फिक्स करेगा। और जबकि मैंने जो मैक के मेकअप फिक्सर के साथ जब टेस्ट किया था तो मेकअप फिक्सर कुछ भी सेट नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप दोबारा टेस्ट देखना चाहते हो तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। खैर फाइनली ये सेटिंग स्प्रे वर्क करता है, ये आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है और आपका फेस हाइड्रेट भी रहता है। मैं इसको ड्यूई नहीं कहूँगी, काइंड ऑफ नेचुरल टाइप फिनिश कहूंगी। हाँ जब आप स्प्रे करोगे तो थोड़ा वाइट वाइट फेना जैसा थोड़ा स्प्रे करता है, लेकिन वो एक्चुअली आई थिंक बबल्स टाइप का ही है जो कि थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सही लगा, आई मीन हाँ एक्सपेंसिव है, अगर आप लेना चाहते हो मैक का ही तो आप ज़रूर ट्राई करो, नहीं तो अफोर्डेबल में आते हैं अच्छे खासे। फाइनली
फाइनली मैंने बाय किया क्लिनिक का कंसीलर। मैं बहुत टाइम से बाय करना चाहती थी, फाइनली मैंने ले लिया। ये है इन द शेड ओट्स। इसमें ऊपर भी आपको इस टाइप का कुशन टाइप का ब्लेंडर दिया होता है, लेकिन उससे मुझे ब्लेंड नहीं करना। इसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही अच्छे हैं, इवन ये आपके अंडर आई एरिया जो स्किन है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। ये एलर्जी टेस्टेड है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है, ये फुल कवरेज कहता है, पर मैं कहूँगी मीडियम कवरेज, ठीक है। नेचुरल फिनिश देता है। मैंने यहाँ पे जो शेड लिया है वो सॉर्ट ऑफ मेरे स्किन टोन से मैच होता है, मतलब मैंने बहुत लाइटर शेड नहीं लिया। मैंने ऐसा शेड लिया है कि मैं अगर मेकअप ना भी करूँ तब भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं बिल्कुल भी मेकअप ना करूँ और करेक्शन भी ना करूँ, इन दैट केस भी ये मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करता है। हल्का सा ग्रेनेस रहेगा, वो ग्रेनेस तो लाइक तभी जाएगा जब आप एकदम फुल कवरेज कंसीलर यूज़ करोगे और करेक्टर यूज़ करोगे, पर जब आप विदाउट मेकअप हो और आप अपने डार्क सर्कल्स को थोड़ा यू नो थोड़ा कम करना चाहते हो, तो नॉर्मली आप कंसीलर सीधे अप्लाई करिए अपने स्किन टोन का और ज़्यादा करेक्शन मत करिए। मतलब वो हल्की सी ग्रेनेस भी ना नेचुरल लगती है, अगर वो ग्रेनेस चली जाएगी ना तो बहुत फेक और आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि पूरा आपका एरिया सडनली यू नो वाइट अजीब सा लगेगा। सो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर मैं विदाउट मेकअप ने कंसीलर हाइड करना चाहती हूँ तो मैं करेक्शन नहीं करती हूँ, मतलब वो थोड़ा सा जो ग्रेनेस है ना वो एक्चुअली नॉर्मल लगता है, मतलब थोड़ा मुझे ह्यूमन बीइंग जैसा फील होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे आर्टिफिशियल लगता है, तो फेस लगता ही नहीं कि मेरा है। तो ये शेड काफ़ी अच्छा है, आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके अंडर आई एरिया को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता, प्लस जो स्किन है उसको अगर आपको पफिनेस की प्रॉब्लम है, डलनेस है, वो सब चीज़ें भी ये मतलब ठीक करता है। इट्स लाइक ए स्किन केयर इन्फ्यूज कंसीलर है, तो मुझे काफ़ी सही लगा। आप चाहो तो एक शेड डार्क ले सकते हो अगर सिर्फ आप विदाउट मेकअप ही हाइड करने का सोचते हो, पर समवॉट मुझे ये ठीक लगा। मतलब ये ऐसा है कि मेकअप के साथ भी और विदाउट मेकअप भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। जो नेक्स्ट है वो है ये इन कलर का ब्लश। ओके, इन कलर ने काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लशेस निकाले हैं, पर ऑनेस्टली बताऊँ जो प्राइस रेंज था वो देख के मुझे पसंद नहीं आया। मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा प्राइस इनका, कि क्योंकि उससे कम प्राइस में अच्छे खासे, इवन हाफ प्राइस में अच्छे खासे ब्लशेस आते हैं, तो मुझे लगा इनका प्राइजेस थोड़ा ज़्यादा है। ये कुछ इस टाइप की इनकी पैकेजिंग है। जो शेड इसमें दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड लाइट मुझे लगे। मैंने जो शेड इसमें लिया था वो है 05 एंड दिस इज 05, दिस इज लाइक प्रॉपर पीच पिंक टाइप का शेड। मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया है, ये आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये नहीं पसंद आया, सच्ची कह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही लिक्विड किस्म के हैं, एकदम लिक्विड जैसे, ठीक है। वो जो शेड है बहुत ही लाइट है, बहुत ही शियर है, मतलब मैंने जितने भी शेड में से ये चुना उसमें मुझे ये डार्क लग रहा था, मतलब मुझे लगा ये ऐसा शेड है जो दिखेगा, फिर भी आप देख सकते हैं कैसा शेड है। ये बहुत ही लाइट, बहुत ही लिक्विडी है, इनका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा शेयर है, अगर मैं इन्हें ब्लेंड करती हूँ ना तो ऑलमोस्ट गायब ही हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में इसको एक्चुअली यूज़ किया 2 बार, मतलब 2 बार डबल लेयर करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब जीरो। मेरे कॉम्प्लेक्शन पे ही ये शेड नहीं पता चल रहा, तो आप अगर इससे डार्क है, मेरे कॉम्प्लेक्शन से डार्क है, तो ये तो गायब ही हो जाएगा। तो मुझे शेड्स नहीं पसंद आए और ये सॉर्ट ऑफ शो ऑफ नहीं हो रहा है स्किन पे। अगर मैं इसको भी ब्लेंड करूं तो आप देख सकते हो ये इतना बेबी पिंक है कि एक्चुअली स्किन में पता ही नहीं चल रहा, और मेरी स्किन में सच्ची में कुछ नहीं पता चल रहा। ये ऐसा शेड अगर आप विदाउट मेकअप थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो तो दिखेगा, मतलब विदाउट मेकअप आपकी सीधे स्किन पे लगेगा। मैं इसे अगर फाउंडेशन, ब्रॉन्जर इन सब पे के साथ अप्लाई करती हूँ तो गायब हो जाता है। तो मुझे एक्चुअली सीरियसली ओवर प्राइस भी ये लगा और काम का नहीं लगा, क्योंकि ये शो ऑफ ही नहीं हो रहा हो कितना ज़्यादा मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँ दिखाने के। आप देख सकते हैं ब्लेंड करने पे यही चीज़ दिख रही है और ये कुछ भी नहीं है, मतलब टिंटेड है लाइक टिंट, फिर उससे अच्छा तो मैं कोई टिंट ही यूज़ कर लूँ। तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो नहीं। सो गाइस, जो फाइनली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक्चुअली है पेरिपेरा का इंक मैट मूड टिंट। ये मैंने एक्चुअली लिया था मैक्रोन के वेबसाइट से। मुझे कुछ डिफरेंट टाइप का कलर चाहिए था, सडनली मुझे आजकल ना जो आपके टिंट होते हैं मैट टिंट वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये जो पेरिपेरा वाले होते हैं एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मैंने देखा है कि इवन
अगर आप कुछ खाते पीते भी हो ना तो भी थोड़ा बहुत ये सरवाइव करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पानी पिया, कुछ भी थोड़ा बहुत पिया भी तो चला गया, नहीं, ये रहते हैं। ठीक है, एक हल्का सा सॉर्ट ऑफ कलर हमेशा आपके लिप्स पे रहता है। तो मैंने ये जो शेड लिया ये है सेडार वुड, ये तो मैट है, ये आपको लाइक ब्लर लिप्स देगा, एकदम कोरियन टाइप के ब्लर टाइप का। तो ये शेड एक्चुअली थोड़ा ऑरेंज टोन रेड है, ये कुछ ऐसा है आपका क्रीमी सा, आप देख सकते हैं, तो कोरल रेड टाइप का शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। ठीक है, मुझे इस टाइप के शेड बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप आराम से इसको ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, आप जहाँ चाहो अपना चीक्स पे, आईज पे, जहाँ चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे आप ब्लेंड करते हो एकदम ब्लर वेलवेटी जैसा लुक देता है, आप देख सकते हैं, और ये तुरंत सेट हो जाता है, ऐसा कुछ आपका इधर से उधर मूव नहीं करता। पर मुझे इस टाइप का जो ब्लर लुक है बहुत सही लगता है, आप लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, ये अपने आप अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा आपको एक टिंट देगा। मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा, थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंजी टाइप का शेड है, बट विद लिटिल बिट ऑफ रेडनेस, तो बहुत सही, बहुत अच्छा, वार्म और डिफरेंट जैसा लुक लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं इसे अक्सर नॉर्मली भी जो लिपस्टिक्स होती है उनके साथ मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ, और ये बिल्कुल ड्राई नहीं करता, इस काइंड ऑफ नरिशिंग टाइप का, मूस टाइप का टेक्सचर होता है, तो आपके लिप्स को भी बहुत ज़्यादा नरिश करता है, तो वैसा ड्राइनेस या फ्लेकीनेस बिल्कुल नहीं होती। सो गाइस, ये था वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।